हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अभी के जो बीपीएससी नई शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो अभी नई बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो नोटिस है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो नई वैकेंसीज है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 to 8 में जो वैकेंसीज आपकी आने वाली है वो है आपकी 31,982। उसके अलावा आपका 9th और 10th में जो वैकेंसीज आने वाली है वो है आपकी 18,880। ठीक। उसके अलावा 11th और 12th में जो वैकेंसीज आने वाली है वो है 18,830। ये आपकी वैकेंसीज हैं। अब इनकी बात करें तो ये टोटल थी 69,692, यानी कि 70,000 का अभी तक का आंकड़ा चल रहा था। लेकिन अभी एक और नोटिस जारी हुआ है बीपीएससी की तरफ से, और उसमें बात की गई है कि जो अभी पिछली वैकेंसी हुई है, जो अभी अभी जो जिनका रिजल्ट आया है और जिनकी ज्वाइनिंग चल रही है, मतलब रिजल्ट आ रहा है दिन ब दिन, एक एक सब्जेक्ट वाइज आ रहा है, जो माध्यमिक वाले हैं, प्राइमरी का तो एक साथ आया है, तो उनमें से टोटल कितने थे, 90,804 जो वैकेंसीज आई थी उनमें से जो बच्चे पास हुए हैं, 49,905 बच्चे पास हुए हैं, और उसमें से 40,899 खाली चले गए। यानी कि वो सारी जो भर्ती जो पद थे वो भर नहीं पाए हैं। तो पिछली भर्ती से जो बचे हुए पद हैं वो हैं 40,899। तो अगर इनको जोड़ लिया जाए तो टोटल आपका 1,10,591 आपकी अभी खाली पद हैं। जो आपकी अब नई भर्ती आ रही है, जो नया नोटिस जो जारी होने वाला है, उसमें 1,10,000 यानी कि पद आपके काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो आप सभी के लिए ये सुनहरा, नहीं गोल्डन कह लो, डायमंड कह लो, मौका बहुत जबरदस्त वाला है। क्यों है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, अब इन्होंने जैसे ही अभी ये खाली पद बचे और नहीं, तो ये दोबारा नोटिस दे दिया। लेकिन अगर इसमें आप लोग पास नहीं हुए तो आप सोचेंगे कि ये तिबारा लेगा, तिबारा में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ये इलेक्शन की वजह से चल रहा है। अगले साल इलेक्शन हो जाएंगे, और इलेक्शन अगर हो गए तो फिर भैया चाहे 1 लाख पद खाली पड़े रहे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर 1 साल 2 साल 3 साल उनकी मर्जी है कब भरे, फिर कोई दबाव नहीं रह जाता, अभी दबाव है। ठीक है। तो और कंपटीशन नहीं है ज्यादा, ये भी आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप पिछले रिजल्ट में क्या हो रहा है, पद खाली चले गए हैं। इसका मतलब अगर आपने पास भी कर लिया ना तो अंदर हो आप क्या सिलेक्शन समझो हो गया, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन वाला तो खेल भी नहीं हो रहा। तो थोड़ी सी अच्छी तैयारी करो, थोड़ी सी नहीं लेकिन तैयारी तो आपको अच्छी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा लेवल टफ है इस पेपर का। अब यहाँ पे बात करूं मैं तो इसमें किस किस को मौका मिल सकता है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर लगभग सभी को मौका मिल रहा है। प्राइमरी का अभी कंफर्म नहीं है कि वैकेंसी दोबारा आएगी या नहीं, लेकिन 6 से लेकर 12 तक की आपकी वैकेंसी आ रही है, और 6 to 12 तक में आपका 6 to 8 में आप जो है जितने भी डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, ये सब के सब 6 to 8 में भर सकते हैं फॉर्म। तो सभी को मौका मिल रहा है। एक तो 6 to 8 में 31,900, लगभग 32,000 वैकेंसीज ये हैं, कुछ इसमें से भी 6 to 8 की ही है, 10,000 भी माने अगर आप, 15,000 भी, तो भी आपकी 45,000 वैकेंसीज हैं आपके पास। तो बहुत ही जबरदस्त चांस है, इस बार तैयारी अच्छी कर लो, इस बार फेल मत हो जाना। उसके अलावा मैं बात करूं तो जितने भी ये आप लोग जो है यहाँ पर अभी डीएड बीएड जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए चांस मिल रहा है। उसके अलावा जो सीटेट वाले हैं, यानी कि जिन लोगों का अभी तक सीटेट पास नहीं है, सीटेट दिसंबर 2023 जो देंगे, क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उनको मौका मिलने का पूरा पूरा चांस है। वो क्यों चांस है उसको समझ लो। एक वजह तो ये है कि इनके पास जो इन्होंने फॉर्म लिए हैं और उसमें से देखा जाए तो इन्हें ऐसा लगा होगा कि बच्चे जो है कम है, इसलिए आपकी जो है पूरी भर्ती या पूरी पद जो है वो भर नहीं पाए हैं। तो अब ये क्या करेंगे, ये सीटेट अपेयरिंग वालों को भी फॉर्म भरने का मौका देंगे ताकि इनके पद पूरे भर सके। तो उसके एक तो ये चांस है, और दूसरा आंकड़ा ये है कि आपकी जो ये नोटिफिकेशन है ये अभी आया नहीं है, तो कुछ दिन बाद आएगा, तब तक ही आपका सीटेट का भी आ जाएगा, और सीटेट का दिसंबर लास्ट में आपका जो है पेपर हो जाएगा, आपका जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा। अगर सही प्रक्रिया जो है फास्ट रही तो जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा। और जो ये बीपीएससी की भर्ती है ये भी अभी आई नहीं है, क्योंकि अभी तक तो रिजल्ट ही जारी हो रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, जो अपर लेवल के हैं मतलब 11th 12th वाले, तो इनका जो है अभी सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट जारी हो रहे हैं, तो कुछ दिन तो इसमें निकले जाएंगे। तो ये महीना तो समझो आपका निकल गया अक्टूबर का, नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा, तो अब ऐसा तो है नहीं कि दिसंबर में एग्जाम ले लेंगे, 1-2 महीने तो देंगे ना, तो पेपर हो सकता है आपका जनवरी में जाए, और अगर जनवरी तक जाएगा तो पूरे पूरे चांसेस है कि ये सीटेट अपीयरिंग वालों को अंदर ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी के पास जो है बहुत अच्छा चांस है। और इसके अलावा अब मैं आपको बताऊं इसकी तैयारी के बारे में, तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। सिर्फ इसमें एक चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है आपका जीएस,
और इससे आप कोई भी जो है मना नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा पैटर्न था वो क्या था कि एक पेपर जो है लैंग्वेज का है जिसमें हिंदी और इंग्लिश आ रही है। लैंग्वेज आपने पास करी, उसके बाद जब आप सेकेंड पेपर में एंटर करते हैं तो सेकेंड पेपर में प्राइमरी वालों का तो कंप्लीटली जीएस था और जूनियर वालों का भी कंप्लीटली जीएस था। तो प्राइमरी और जूनियर, फिलहाल जूनियर की अगर बात करें तो जूनियर में क्या है, जीएस का पेपर जो है वो 150 नंबर है और 150 में से 100+ का जीएस है। 100+ का जीएस है कौन सा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आपका, और आपका जो है राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें बिहार की भूमिका क्या थी, उससे बहुत ज्यादा गांधी युग के बारे में उसमें मतलब उसी से भरा पड़ा है पूरा का पूरा पेपर। तो अगर आप 100+ नंबर इसमें अगर देख पा रहे हैं, इतने में तो सिलेक्शन हो रहा है, 100 से भी 100 नंबर अगर आप ले आए तो समझो आपका सिलेक्शन है। तो केवल और केवल जीएस ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है, बस लैंग्वेज का पेपर पास करके आगे बढ़ना है। लैंग्वेज की भी तैयारी करवा दूंगा मैं आपकी। तो यहाँ पे जीएस के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने जो है एक नया चैनल क्रिएट किया है, उसके बारे में मैंने सीटेट वालों को तो बता दिया था, जो सीटेट की क्लास कर रहे हैं उन्हें पता चल गया होगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आप जो है यूट्यूब जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आप जो है अपने यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे आपको टाइप करना है क्या, ये टाइप करना है आपको एस ए टीचर अकेडमी जीके जीएस। क्या लिखना है, एस ए टीचर अकेडमी आगे जीके जीएस, तो ये वाला चैनल खुल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, एस ए टीचर अकेडमी जीके जीएस, और यहाँ पे इसको कर लेना है सब्सक्राइब। ठीक है, और सब्सक्राइब के साथ में इसका बेल आइकन जो है ये ऑल पे क्लिक करना। इसमें बेल आइकन वाले पे आते हैं ना ये तीन चार तरह के, तो इस पे ऑल, जिस पे दोनों तरफ घंटी के बना हुआ है, ऑल पे क्लिक करना। तो इससे क्या है, नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहेगी। इस पे आपको कंप्लीटली जीएस का पूरा ज्ञान, यानी कि पूरी का पूरा कोर्स आपका इसी पे हो जाएगा। इसी से आपके 100 नंबर पक्के हो जाएंगे एक चैनल से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो डालनी मैंने शुरू भी कर दी है, ऐसा नहीं कि मैं अभी बता रहा हूँ तब शुरू करूंगा, मैंने कल भी वीडियो डाली थी, आप चेक करो जाके, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है नोट्स के लिए आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो यहाँ पर एप्लीकेशन आपको मैं बता दूं एस ए टीचर अकेडमी नाम से ही है। तो यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे एस ए टीचर अकेडमी ऐप, ये लिख के आपको कहाँ करना है, प्ले स्टोर में करना है फोन के, अभी मैं कंप्यूटर में कर रहा हूँ, आपको फोन के प्ले स्टोर में करना है। तो इस तरह से आपके सामने खुल के आएगा, एस ए टीचर अकेडमी लिखना है सिर्फ प्ले स्टोर पे, ये खुल के आ जाएगा, ये वाला फोटो मेरा लगा हुआ है उस पर। यहाँ इंस्टॉल लिखा होता है, इंस्टॉल पे क्लिक करके बस आपको ये जो है अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद अपना नाम और फोन नंबर डाल के इसको लॉगिन कर लेना, वहां पे आपको कंप्लीटली नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप जो है, और वहां पे आपको प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज वगैरह भी वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक, अगर कोई दिक्कत आती है ऐप में कि हमारा जो है डाउनलोड होने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ऐसा लगे कि हमसे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी नोट्स ले सकते हैं आप, और सीटेट के नोट्स भी आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे जितने लोग भी हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी इतनी ही जानकारी थी, जैसे ही चीजें आएंगी सामने तो आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।